हाय गाइस, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं आज को आपके लिए खूबसूरत पौधा दिखाने जा रहा हूं, जो कि गर्मी में आपके गमले में खूब फूल देंगे, और जो गर्मी के मौसम में लगते हैं वो भी आप पौधे अपने गमले में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइबर, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जो मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। चलो वीडियो स्टार्ट कर दें। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करें, पूरी देखें। आज मैं आपको इसमें इतने इतने सुंदर पौधे दिखाऊंगा कि आपने अभी तक बहुत कम देखे होंगे, और बहुत ही अच्छे पौधे होते हैं। तो फ्रेंड, अब आप देख रहे हैं ये जीनिया का पौधा और सूरजमुखी का पौधा है। फ्रेंड, इस पर इतने फूल आते हैं, बहुत सुंदर फूल आते हैं। अब आप मार्च से लेकर जून जुलाई तक, यानी कि पूरी गर्मी, जितनी गर्मी पड़ती है हमारे वही फूल आएंगे, और आप इन पौधों को ज़रूर लगाएं। ये फ्रेंड आप देख रहे हैं जीनिया का पौधा, इस पर इतने कलरफुल फूल आते हैं कि आप रंग बिरंगे, अगर आप गमले में लगाएंगे, एक गमले में तीन पौधे, तो उससे गमले का लुक बढ़ेगा और आपका गमला बहुत ही सुंदर लगेगा। तो फ्रेंड, आप अगर जब नर्सरी जाएँ या किसी माली से लें तो जीनिया का पौधा ज़रूर लें। ये मार्केट में बड़ी पन्नी का 50 या 60 रुपये का मिल जाएगा, और छोटी पन्नी का 40 या 35 रुपये का मिल जाएगा आपके लिए। ये बहुत ही फ्रेंड अच्छा पौधा होता है। अब फ्रेंड आपके लिए हम दिखा रहे हैं गुल मेहंदी का पौधा। इस पर लाल, पीला, गुलाबी इतना फूल आता है, ये भी हमारी गर्मी भर खूब फूल देगा, और आप अपने से गमले में लगा सकते हैं। फ्रेंड, मैं इसमें वो पौधे दिखा रहा हूँ, अगर आप जब नर्सरी से लाएँ तो कौन कौन से पौधे लाएँ। ये देखो बहुत ही सुंदर फ्रेंड, ये टोकरी का वाला पौधा है, ये रंग बिरंगे पत्तों में आता है, इसे आप टोकरी में भी लगा सकते हैं, और ये बहुत ही सुंदर पौधा होता है। तो फ्रेंड, अब मैं आपके लिए दिखाने जा रहा हूँ मृग केस का पौधा। अब फ्रेंड, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सनील का पौधा, जिसे मृग केस का पौधा कहते हैं। यह भी आपकी गर्मी भर खूब फूल देगा, इसे भी आप अपने गमले में लगा सकते हैं। गमले में लगाने से बाद आपको, ये देखो गेंदी कहते हैं इसे, इसे बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, रंग बिरंगे, जैसे हमारा मैरीगोल्ड गेंदा होता है, इसी प्रकार से गर्मी में खिलने वाला पौधा है। इसे बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल आते हैं, और आप इसे लगा सकते हैं। ये मार्केट में 30 या 35 रुपये का आपको नर्सरी से मिल जाएगा। ये देखो, ये लिली का पौधा है, इसे बहुत ही सुंदर फूल आते हैं, और ये रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, इसे भी आप गमले में लगाएं और अपने गमले को खूबसूरत बनाएं। तो फ्रेंड, वीडियो मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भाई नए हैं मेरे चैनल को ना सब्सक्राइबर। फ्रेंड, अब आप जीनिया का पौधा देख रहे हैं, ये जीनिया हाइब्रिड वाला जीनिया है, ये 30 से लेकर 70 रुपये तक का आपको पौधा नर्सरी से मिल जाएगा, और ये बहुत ही सुंदर पौधा होता है। अब आप देख रहे हैं कॉलेज का पौधा, कॉलेज की तो आपने वैरायटी बहुत देखी होंगी, ये बहुत अच्छी पौधा है। ये देखो, इस पर भी बहुत ही सुंदर पूरी गर्मी भर फूल खिलेंगे, ये भी बहुत अच्छा पौधा होता है, इसे भी आप नर्सरी जाएँ तो अवश्य लें, और आपके गमलों में जब आप इसे लगा देंगे तो कम से कम 5 या 6 महीने फूल बरकरार खिलते रहेंगे। इसमें फ्रेंड ध्यान रहे, पानी ज़्यादा पड़ेगा। ये देखो, ये भी बहुत ही सुंदर पौधा है, इसे भी आप अपने गमले में लगाएं, और पूरी गर्मी भर इसके भी फूल पास गएंगे। फ्रेंड, आपको ध्यान रहे, इसमें सुबह शाम पानी पड़ता है, आप बल्कि धूप में अगर पानी देते हैं तो ये पौधा हो जाए ख़राब। अब ये देख रहे हैं आप सदाबहार का पौधा, जो कि रंगीन सदाबहार होती है। मैंने पिछली बार दिखाया था आपको सनील का पौधा, अब दोबारा दिखा रहा हूँ ये सनील का पौधा, ये लंबे वाला फूल वाला सनील का पौधा है। ऐसे भी अगर आप नर्सरी जाएँ तो लाएँ, ये बहुत ही अच्छा फूल है, और आप इसको बीज रखने चाहते हैं तो इसका बीज रख सकते हैं जब सूख जाए तो। दोस्तों, ऐसे ही ये जीनिया का पौधा है, अगर आप जीनिया के फूल के बीज बनाना चाहते हैं, हमारा जो पहला या दूसरा फूल है उसे आप रख दें, और ये फूल सुखाने के बाद, धूप में रखने के बाद सूखेगा, 2-1 दिन सूखने के बाद इसे आप कागज़ में लपेट दें, और इससे ये होगा, आप कागज़ में लपेट देंगे तो आपका जीनिया का पौधा फ्रेंड अच्छा होगा। देखो, ये बहुत ही सुंदर सनील का पौधा है फ्रेंड, और आपको ध्यान रहे, जब भी ये पौधे लगावें थोड़ी दूरी दूरी करके लगावें, एक जीनिया का, एक सनील का, एक ये, एक आप कुछ भी लगा दो। अब कोचिया का मौसम चल रहा है फ्रेंड, कोचिया भी आप लगा सकते हैं, और कोचिया बहुत ही अच्छा पौधा होता है फ्रेंड। ये पोर्टिकला का पौधा है, पोर्टिकला पे भी बहुत अच्छे अच्छे फूल आते हैं, अभी पूरी गर्मी पर फूल देगा, मात्र 20 या 25 रुपए का आपको नर्सरी से मिल जाएगा, अगर आप नर्सरी से लेने जाएंगे तो। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, एक प्यारा सा कमेंट करें, शेयर करें,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे जो मैं वीडियो बनाऊँ आप तक पहुँच सके। देखो जीनिया, मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, जीनिया बहुत ही सुंदर होता फ्रेंड। ये जीनिया का पौधा है जिसमें कि रंग बिरंगे फूल आते हैं, कम से कम 7-8 वैरायटी के फूल आते हैं, इसे आप भी लाएं और ये बहुत सुंदर पौधा होता है फ्रेंड। फ्रेंड तो जीनिया के पौधे के बारे में बता रहा हूँ, जीनिया सबसे ज़्यादा गर्मी फूल देने वाला पौधा है, जो आपके गमले को अच्छा तो रखेगा और आपके बगीचे को और आपके घर को अलग ही सुंदरता ही दिखाई देगी। फ्रेंड अगली वीडियो जल्दी लाएंगे, तब तक के लिए बाय, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक जरूर करें।